कैथोलिक धर्मावलंबियों ने बुधवार को अपने दिवंगत परिजनों को ऑल सोल्स डे पर याद कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कब्रिस्तान में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया और ईसाई धर्मावलंबियों ने अपने परिजनों की कब्र पर फूल, गुलदस्ते और मोमबत्तियां जलाकर उनकी आत्मा शांति के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर बिशप इग्नेशियस मैनेजर्स, फादर ऑबर्ट करवालो, फादर कॉस्मो शेखावत, फादर सुजय मणिकम, फादर लूर जोसेफ, फादर फ्रांसिस, फादर जेरी, फादर थॉमस सहित सिस्टर्स और मसीह धर्मावलंबियों ने 11 पुरोहितों के साथ विशेष प्रार्थना और मिस्सा बलिदान के साथ कब्रों पर पवित्र जल छिड़ककर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। आदर्श नगर कब्रिस्तान पर सैकड़ों की संख्या में मसीह समाज के लोग पहुंचे और मोमबत्तियां जलाकर प्रार्थना की। आज 2 नवम्बर है और ओल्ड सोल्स डे के नाम से उसको मनाते हैं, जिस दिन की हम सभी मृत भाई बहनों को याद करते हैं। हमारे निकट हम जो भी है, हमारे भाई बहन हैं जिनका हमसे पहले इस संसार को छोड़ कर जा चुके, उनके लिए दुआ करने आते हैं। और कलीसिया यानी कि हमारा चर्च मानता है कि जो जीवित हैं उनका फर्ज बनता है कि जो मर चुके उनके लिए प्रार्थना करें, जो ताकि उनको आनंद शांति मिल सके। इसमें सभी धर्मों के लोग आते हैं और आके मोमबत्ती जलाते हैं, अपने फूल माला चढ़ाते हैं ताकि उनको प्रभु की ओर से प्रार्थना करते हुए कि उनकी आत्मा को आनंद शांति मिल सके। के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन मृतक लोगों को याद करा जाता है, मृतक भाई बहनों को, मृतक माता पिता, मृतक रिश्तेदार, इन सबों को याद करते हुए आज का यहाँ 2 नवंबर को यह दिन मनाया जाता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हमारा उद्देश्य ये होता है कि हमारे जो मृत विश्वासी जो कि खुदावन यीशु मसीह में सो गए हैं, उनकी आत्मा को अनंत शांति मिले और जो आत्माएँ किसी कारणवश जिनको मुक्ति नहीं मिल पाई है, हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा उनको मुक्ति मिले। इसी उद्देश्य के हेतु हम हर वर्ष 2 नवंबर के दिन यहाँ इकट्ठे होते हैं और हमारे जो चिर परिचित गण हैं, मृत व्यक्ति हैं, उनकी कब्रों पर हम फूल माला अर्पित करते हैं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज सारी दुनिया में क्रिश्चियन समुदाय अपने मृत प्रियजनों की याद करते हैं और उनके आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। गिरजाघरों में जाकर पूजा पाठ करते हैं और शाम के वक्त कब्रिस्तान में आकर हर कब्र को सजाया जाता है और उनके आत्मा शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। और इस तरह हम मृतकों की याद करते हैं और अपनी मृत्यु के लिए भी एक तैयारी करते हैं। आज के दिन हम मृत जो भी हमारे बीच में हमारे आपसी रिश्तेदार है वो हमारे बीच से जा चुके हैं, उनकी आत्मा शांति के लिए आज सभी मिलने वाले आकर उनके लिए मिस्सा बलिदान करते हैं तथा ये चाहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। इसके लिए करुणा की वर्ष और सब प्रार्थना की जाती है। पहले मिस्सा बलिदान हुई, रोजरी माला हुई, ब्लेसिंग हुई, जो भी हमारे बीच नहीं है उनको पवित्रता से बिशप स्वामी जी की तरफ से उनको आशीष का जल देकर उन्हें पवित्र किया गया और सभी रिश्तेदार खड़े होकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं और इसी विधि के द्वारा इसे संपन्न करते हैं।